अस्सलाम वालेकुम। ये एक मोटर आया है, इसके 1740 RPM है। तो इसको खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसमें वाइंडिंग कैसे होती है, इसके कनेक्शन कैसे होंगे, ये हम सीखेंगे। तो देखिए जी, ये खुल गया मोटर। इसकी ये वायर है जो मुकम्मल जली हुई है, ये वाइंडिंग, इसकी वाइंडिंग मुकम्मल जल गई है। अच्छा, इसकी पिच है 10-12 की, इसकी पिच है 10-12 की पिच है। और ये वाइंडिंग चेन वाइंडिंग है, 12 सेट इसमें डलेंगे टोटल 12 सेट। और इसकी ये वाइंडिंग जली हुई वायर को हम काट के साफ करेंगे। ये जली हुई वायर कट गई है दूसरे साइड पे। अब हम इस वायर को निकाल रहे हैं। तो ये दो सेट हम इसमें से अलग कर रहे हैं, ये थोड़े साफ सेट थे इसके अंदर, बाकी की कॉइलें मुकम्मल जल गई हैं। ये थोड़ी सी साफ़ सुथरी थी, तो ये गिनती में आसानी होगी, इसलिए हमने ये दो कॉइल अलग किए हैं। ये गिनती करते हैं, फिर इसका गेज करते हैं, वायर का गेज, वायर गेज करते हैं इसका। हाथ देखें, ये दो वायरों से इस मोटर को वाइंड किया हुआ है, दो वायर इकट्ठे करके ना, दो वायर इकट्ठे करके इस मोटर को वाइंड किया हुआ है। ये माइक्रोमीटर से हम इसको गेज करेंगे, गेज करके हम बताएंगे कि इसका नंबर कौन सा आ रहा है। ये आ रहा है 80 mm, एक वायर हमारा 80 mm का है। ये 80 mm का वायर गेज जो बनता है वो 21 नंबर तार बनता है, 21 नंबर वायर 80 mm का। और जो है ना, ये आ रहा है जी 65-66 mm, 65-66 mm पे आपका आएगा 22.5। दो वायर हैं, एक है 21 नंबर और दूसरा है 22.5 नंबर। इन दोनों तारों को मिला के वाइंड किया हुआ है इसको। इसमें हमने पेपर डाल के रेडी किया है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है वीडियो को। तो एक वायर लेके हम इसका 10-12 के हिसाब से इस वायर से इसका कॉइल का साइज़ बनाएंगे, फिर ये फरमे पे बांध के फरमे का साइज़ निकालेंगे। इसमें इसका ये तरीक़ाकार होता है। तो ये 10-12 दो कॉइल का एक सेट बनता है। दो कॉइलों का एक सेट बनता है और एक कॉइल का वज़न हम आपको दिखा रहे हैं। एक कॉइल में कितना वज़न जाएगा, ये देखिए जी, 230 ग्राम, ये एक सेट का वज़न है। ये दो सेट हमने बिठाए हैं इसमें, तो इनका एक साइड आप बिठा दें, एक साइड इसका नहीं बिठाया। देखिए, पीछे वाली साइड को हमने बिठाया हुआ नहीं है ताकि ये आखिर में सबसे लास्ट में बैठेंगे, सबसे लास्ट वाले सेट बैठेंगे, इसके ऊपर इसकी पीछे वाली साइड बैठेगी। ये दो स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट से आप बिठाएं। दस बारह के पीछे अच्छे इसके टोटल स्लॉट हैं, 48 स्लॉट इसके, इस मोटर के टोटल 48 स्लॉट हैं। देखिए जी, ये 10 पे जाएगा, ये
आ गया 10, ठीक है ना, ये 10 12, इसके ऊपर वाला सेट जो है ना वो 12 पे बैठेगा, ये 10 पे आया। तो ये अभी कंप्लीट चेन वाइंडिंग, इसका तरतीब आगे यही तरतीब से ये मोटर पूरा वाइंड होगा इसी तरतीब से। देखें पूरा तरीक़ाकार पूरा मोटर वाइंडिंग करने तक, तो इसकी वीडियो बहुत लंबी बनेगी, हमने इसलिए इसको शॉर्ट किया हुआ है, वीडियो को थोड़ा काटा है। इसके पूरे कनेक्शन कैसे होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तरतीब है इसकी, दो स्लॉट छोड़ के फिर आप एक सेट को बिठाएं, दो स्लॉट छोड़ के एक सेट को बिठाएं, तो इसकी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से आप बनेगी, इस तरीके से इसकी वाइंडिंग होगी। इस वाइंडिंग को हम चेन वाइंडिंग बोलते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा काटा, मुकम्मल नहीं दिखाया आप लोगों को। इसके कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं, इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में।